हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सिनी आप सभी बच्चों का राजस्थान एकेडमी चूरू के द्वारा संचालित ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति भाग तीन के बारे में। संख्या पद्धति भाग तीन के बारे में पढ़ रहे हैं आप, और इसमें आपने अभी तक जो संख्याएं होती है उनके बारे में जान लिया कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, इन सब के बारे में आप जान चुके हैं। अभी देखो, इसमें कुछ बातें और है जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी है, जिसमें आपका एक पॉइंट आता है भारतीय संख्या प्रणाली। आप भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में सीख रहे हो, तो देखो भारतीय संख्या प्रणाली में क्या होता है कि जो नंबर होते हैं उनको लिखने का जो तरीका होता है वो बताया जाता है। तो इसमें देखो, आपको याद रखना है कि भारतीय संख्या प्रणाली में इनको कैसे याद रखना। आपको यहाँ पर आता है, पहले आपके पास इकाई अंक आता है इकाई, उसके बाद में आता है दाई अंक दहाई का अंक, उसके बाद में आता है सैकड़ा का अंक, और उसके बाद देखो आता है हजार का अंक आता है, जिसमें आपको दो भाग याद रखने हैं। एक तो 1000, एक होता है 10000। उसके बाद में आपको लाख का पद याद रखना है, लाख, जिसमें एक तो होता है 1 लाख, एक होता है 10 लाख। इसी तरह बाद में आपको इसमें करोड़ का शब्द याद रखना है, करोड़। करोड़ को देखो आपको दो भागों बांटना है, एक होता है 1 करोड़, एक होता है 10 करोड़। उसके बाद में अरब वगैरह भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, जैसे 1 अरब या 10 अरब। ये तो आपने अभी सीखा है जो भारतीय संख्या प्रणाली है उसके बारे में। अब इसमें आप कोई भी सवाल है उसका आप इस तरह से पता लगा सकते हो, उसको कैसे लिखना, आपको कितने करोड़ कितने लाख ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें इकाई दाई सैकड़ा, फिर 1000 10000, 1 लाख 10 लाख, 1 करोड़ 10 करोड़ ऐसे, ठीक है, चलेगा। एक दूसरा इसमें आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में आप सीख रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो कुछ बॉक्स बना रहा हूं मैं, इस बॉक्स को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इसमें क्या याद रखना आपको, सबसे पहले इसमें आता है मेरे पास क्या इकाई, इसमें तो इकाई आता है पहले से, तो इकाई का तो केवल एक कॉलम होता है, सीधा आ गया इकाई का कॉलम। उसके बाद में आपको याद रखना है किसका, दहाई का कॉलम, तो दहाई का भी एक कॉलम हो गया। फिर आपको याद रखना है किसका, सैकड़ा का कॉलम, यह आ गया सैकड़ा का कॉलम। और उसके बाद में आपको क्या याद रखना है, फिर आपको हजार का कॉलम याद रखना है, हजार। देखो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हजार का कॉलम आपका तीन भागों में डिवाइड होता है, ये एक में होता है एक, एक में 10, एक में होता है 100। ये तीनों कॉलम आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ होता है 100000, 100000, 1000, 10000 और 100000। इसी तरह से बाद में लाख का इसमें कॉलम नहीं होता है, इसमें होता है बाद में मिलियन का कॉलम, मिलियन। और मिलियन में आपको याद रखना है कि इसके भी तीन कॉलम होते हैं आपके, एक तो होता है एक का, एक 10 का, एक बाद में होता है 100 का। तो ये कॉलम आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद में आपको किसका याद रखना है, बिलियन का कॉलम याद रखना है, बिलियन का, बिलियन। और देखो बिलियन के भी तीन कॉलम होते हैं आपके, यानी एक तो होता है एक का, एक 10 का होता है, एक होता है 100 का। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली है वो इस तरह से चलती है, और भारतीय संख्या प्रणाली है वो इस तरह से चलती है। और जब भी आप इनके नंबरों के बारे में पहचान करोगे तो आप इसमें तीन तीन का कॉलम बनाएंगे ऐसे, उसमें आपको ऐसे दो दो का कॉलम आगे बनाना है, शुरुआत वाले आप से भाई वो इकाई दाई सैकड़ा वो। तो ये आपने सीखा अभी भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे देखिए आप इसके अंदर, आगे हम बात करेंगे जो आपका मान होता है कौन सा, यानी एक तो आप स्थानीय मान, एक जो जातीय मान है उसके बारे में आप थोड़ा सा वो देख लो। तो देखो आपका होता है यानी स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान या जातीय मान, इन सब के बारे में आप अभी सीख रहे हो। तो इसको आपको वैसे लिखना कुछ नहीं, इसमें आपको केवल समझना है, और समझना कैसे है
जैसे मान लो मेरे पास कोई संख्या आ रही है जैसे 4, 1, 3, 2, 5 से, ये संख्या है, इसमें आपसे पूछ ले कि 2 का स्थानीय मान कितना है, तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान का मतलब हो गया कि आपको 2 लिखना पहले, अब 2 के आगे जितनी संख्या है उतने आप उसके आगे शून्य लगा देने हैं, ठीक है, क्या आ गया मेरे पास 2 का स्थानीय मान। और अगर आपसे पूछ ले 2 का जातीय मान, तो जो 2 का जातीय मान है वो बिल्कुल क्या होता है, 2 का जातीय मान 2 ही होता है, तो आपको लिखना है कितना 2। इसी तरह अगर मान लो आपसे पूछ ले कि 1 का स्थानीय मान कितना होता है, 1 का स्थानीय मान, तो 1 के स्थानीय मान का पहले आपको 1 लिखना है, अब देखो आगे कितने 4 अंक आ रहे, तो आपको इसके आगे 4 शून्य लगा देने हैं, तो ये आ गया 1 का स्थानीय मान। और अगर आपसे पूछे 1 का जातीय मान कितना होता है, तो 1 का जो जातीय मान है वो बिल्कुल 1 ही होता है, जितना नंबर है उतना उसका क्या होता है जातीय मान। तो ये आपने स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में सीखा। अब कुछ और बातें आप देखिए आगे, तो और बातों में देखो एक आपका होता है ये सन्निकटन वाला पॉइंट होता है जो आपको ध्यान में रखना है। सन्निकटन देखो इसमें क्या होता है, आपको याद रखना है सन्निकटन, ये सन्निकटन का आपको पॉइंट है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये भी आपको बस केवल समझना है कि सन्निकटन का मतलब क्या होता है, वैसे आपको इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल सन्निकटन को समझना है कि सन्निकटन क्या होता है और इसको आप कैसे समझते हो। तो देखिए आप सन्निकटन के बारे में, तो इसमें देखो आपको 3 प्रकार से ध्यान रखना है, एक तो यानी आपसे दाई के अंक के सापेक्ष सन्निकटन पूछ लेगा, या आपसे सैकड़ा के अंक के सापेक्ष पूछ लेगा, या हजार के अंक के सापेक्ष सन्निकटन पूछ लेगा। जैसे मान लो मैं कोई भी संख्या लिख रहा हूँ, मैं लिख दिया जैसे मेरे पास संख्या आ रही है 5, 1, 6, 4, ये संख्या आ रही है, और अब इसमें आपसे प्रश्न एग्जाम में फिर क्या पूछेगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि यानी जो संख्या है इसका यानी संख्या का यानी दाई के सापेक्ष क्या करना आपको, सन्निकटन करना है, सन्निकटन, तो इसको आपको दाई के सापेक्ष क्या करना है, सन्निकटन। तो इसका तरीका देखिए क्या होगा, जब आप इसको दाई के सापेक्ष सन्निकटन करोगे तो दाई के सापेक्ष सन्निकटन करने का मतलब हो जाएगा कि आपको केवल ये 2 अंक लेने हैं, दाई में 2 अंक होते हैं आपके। अब ये 64 संख्या है, तो आपको पता है कि 64 जो होता है वो देखो इधर तो इसके होता है 60 और इधर क्या होता है इसके 70, इन दोनों के बीच में आता ही आता है ना। अब देखो 60 जो 64 है वो 60 के ज़्यादा नज़दीक है या 70 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि यहाँ पर 61 हो गया, 62, 63, 64 फिर 65, 66, 67, 68, 69 तो नज़दीक ये आ रहा नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको आप 60 बना दो यानी 5, 1, 6, 0, तो इसका सन्निकटन मान क्या हो गया 5, 1, 6, 0, ये इसका हो गया सन्निकटन मान। तो ये आपने इसको दहाई के सापेक्ष क्या कर लिया है, सन्निकटन कर लिया है। तो ये तो आपने पढ़ा दहाई के सापेक्ष सन्निकटन, उसके बाद में आपको लिखना है संख्या का सैकड़ा के सापेक्ष सन्निकटन। और जब आपसे सैकड़ा के सापेक्ष सन्निकटन पूछे ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको देखना है कि सैकड़ा में आपके 3 अंक होते हैं, तो 3 अंक आ गए ये काम में। अब जब ये 3 अंक काम में आ रहे हैं तो इसमें आपको देखना है कि 164 आपके पास 164, और देखो सैकड़ा में संख्या कैसे चलती है आपकी 100, 200, 300, 400 ऐसी संख्या चलती है अभी, चलती है ना। तो इसका मतलब देखिए भाई, जो 164 है इसके इधर तो क्या आ रहा है 100 आ रहा है, उधर क्या आ रहा है इसके 200 आ रहा है। अब जब आप इनके बीच में से काउंटिंग करके आओगे तो ये नज़दीक 100 के ज़्यादा नज़दीक लग रहा है या 200 के ज़्यादा नज़दीक, तो आपको देखो पता है कि 150 जो होता है 150 वो बिल्कुल दोनों का बीच वाला पॉइंट होता है, और ये क्या था आपका इसके इधर वाली साइड में इधर आता है, तो इसके नज़दीक क्या हो गया आपका 200 हो गया। तो जब आप इसका सन्निकटन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 164 को आप क्या बढ़ा देंगे 200 बढ़ा देंगे यानी 5200। तो ये आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, इस संख्या का सैकड़ा के सापेक्ष सन्निकटन प्राप्त कर लिया है। तो मैं आपको भी यहाँ पर दोनों बात सिखा चुका हूँ कि दाई के सापेक्ष सन्निकटन कैसे होता है और सैकड़ा के सापेक्ष सन्निकटन कैसे होता है। इसी तरह से आप अगर संख्या बड़ी आई तो आप हजार के सापेक्ष भी करके देख सकते हो। तो फिलहाल आपको इतना जानना था कि सन्निकटन क्या होता है। अब उसके बारे में जो अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं वो रोमन संख्या प्रणाली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो रोमन संख्या प्रणाली क्या होती है उसकी हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आप बात करो किसकी, रोमन संख्या प्रणाली के बारे में। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात और जान लेनी है
कि जो विभाजन का नियम है, एक छोटा सा वो जान लो आप, यानी विभाजन जो प्रमेय होती है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके बारे में किसकी बात करेंगे, जो रोमन संज्ञा प्रणाली है उसकी बात करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है ध्यान में, कि जो भाज्य होता है ना, भाज्य प्रमेय में से क्या आता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इनके क्या होता है, ये बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है ना। अब इन चारों में से अगर आपको कोई भी तीन मान दे दे और चौथे का मान पूछ ले, तो आपको कैसे प्राप्त करना होता है उसका तरीका देखिए। जैसे मान लो आपसे पूछ रहे कि भाज्य का मान प्राप्त करो आप, तो भाज्य का मान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो भाज्य होता है उसमें से पहले आपको शेषफल को घटाना है, और शेषफल को घटाने के बाद में क्या करना है, जो भागफल है उसका आपको उसमें भाग लगाना है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, वो आ जाएगा। इसी तरह अगर मान लो आपको भागफल का मान पूछ ले, तो भागफल निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो भाज्य है भाज्य में से पहले आप शेषफल घटाओगे, और शेषफल घटा के उसके बटे में आप किसका भाग लगाओगे, जो भाजक है उसका भाग लगाओगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, जो भागफल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपने भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध सीखा है। और चाहो तो आप इसमें शेषफल के लिए देखो ये भी फॉर्मूला बना सकते हो। इसके लिए आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है, कि जो भाज्य है उस भाज्य में से आपको घटाना है क्या, भाजक गुणा भागफल, इनको घटाएंगे दोनों गुणा करके, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, शेषफल जो है उसकी वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये हमने बता दी भाजक प्रमेय है उसके बारे में। अब जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, अगला पॉइंट हमारा है रोमन संख्या प्रणाली के बारे में। तो देखिए आप रोमन संख्या प्रणाली के बारे में, तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखो रोमन संख्या प्रणाली के बारे में, जिसमें पहले आपको संख्या एक के बारे में याद रखना है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस। तो ये इतनी संख्या तो आपकी देखो यहाँ आ जाएगी, बाकी मैं आपको उधर उस साइड में लिखवा दूंगा। तो यहाँ इनको आप चलो 16 तक मान लो, आप 16 तक मैं आपको यहाँ लिखा दूंगा, बाकी हम उस साइड में पढ़ लेंगे। तो पहले आप देखो 16 तक की संख्या है, इसमें देखो एक को क्या लिखना आपको, इस आई के द्वारा लिखना है, दो को डबल आई के द्वारा, फिर इसको ट्रिपल आई के द्वारा, इसको ऐसे लिखना है आई वी के द्वारा, इसका आएगा वी, फिर आएगा ये वी आई, फिर आएगा वी डबल आई, उसके बाद में आएगा वी ट्रिपल आई जाएगा ये, उसके बाद में आ जाएगा आई और एक्स आ जाएगा, एक्स होता है वो टेन का होता है एक्स, फिर आ जाएगा आई और आई एक्स और आई, उसके बाद में आएगा एक्स और डबल आई आ जाएगा, उसके बाद में एक्स और फिर आ जाएगा ट्रिपल आई, उसके बाद में आएगा आई, फिर बाद में आई एक्स, यानी एक्स आई और वी आ जाएगा। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि यह आएगा एक्स और वी के द्वारा, फिर आएगा एक्स वी और आई के द्वारा। तो ये तो हो गया आपकी 16 तक। अब आगे देखिए आपको थोड़ी संख्याएं, जैसे हम बात कर रहे हैं 17 18 19 20, उसके बाद देखो आपको सीधे क्या रखना है, 25 मान लो आप, सीधे 25 का याद रख लो आप, 25 फिर 40 उसके बाद 50 फिर 90 मान लो, फिर आप मान लो 100 फिर मान लो आप 200 उसके बाद मान लो आप 500 फिर मान लो आप 900 उसके बाद मान लो आप यहाँ पर चलो आपके 400 मान लो आप साथ में 400 उसके बाद मान लो आप 900 उसके बाद मान लो आप 1000 उसके बाद मान लो आप 2000, ये संख्या रहेगी आपकी इधर, तो इधर वो चलती रहेगी साथ में। आप देखो इसको सोल्व कैसे करना आपको उसका तरीका देखिए। अब यहाँ पर देखो इनको आगे आपको लिखने के लिए क्या करना है, कि सबसे पहले आपको देखना है किसको, 17 को कैसे लिखोगे आप, 17 का मतलब अक्ष के तो आगे 10 पहले, अब जो 7 है 7 का आप लिखोगे वी और डबल आई ऐसे लिखोगे, तो अक्ष वी और आई आई आ गया, ठीक है ना। उसके बाद लिखना आपको एक्स, और अब 8 लिखने के लिए आपको वी लिखना है, फिर लिखना आपको ट्रिपल आई इसके बाद में आगे। उसके बाद में क्या करना आपको, यानी अब देखो डबल एक्स होता है उसका मतलब 20 होता है, तो आप इसमें कम कर दो, यानी आई डबल एक्स आ जाएगा ये, फिर मेरे पास क्या देगा इसमें। उसके बाद में अगर आप बात करें किसकी, इसको चाहो तो आप यूँ फिर ऐसे लिख दीजिए, आप इसको एक्स आई एक्स ऐसे भी आप इसको मान सकते हो। फिर हमें बात करनी किसकी, यहाँ पर 20 की बात करें तो 20 का हम लोग गया डबल एक्स हो जाएगा ये, फिर 25 का हम लोग आ जाएगा एक्स और वी हो जाएगा ये, तो ये आपका आ गया 25। और उसके बाद में देखो आपको क्या करना है, इस 40 की देखो 50 का मतलब क्या होता है, एल होता है,
और अगर आप 40 लिखोगे तो इससे आप पहले एक्स लगा दो, एक्सएल हो जाएगा ये 40। और एल सी, फिर देखो सी का मतलब क्या होता है, 100 होता है, और अगर आप इसमें 90 लिखते हो तो आप इसमें क्या लिख दोगे, एक्स सी कर दोगे, तो क्या हो गया ये 90 हो गया है। फिर 200 का मतलब क्या होता है, 200 का मतलब इसका होता है आपका डबल सी हो जाएगा, यानी 100 और 100 दो बार हो गया डबल सी। फिर अगर आप इसमें 400 की बात करना चाहें, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या 500 है, फिर आप अगर 500 की बात करना चाहें तो इसका मतलब होता है डी होता है, 500 का मतलब डी हो जाएगा। फिर अगर आप 900 की बात करें तो 900 से पहले आप ऐसा करो 1000 जान लो, 1000 का मतलब क्या होता है, एम होता है। और अगर आप 900 लिखना चाहते हैं तो आपको पता है कि 100 कम करना पड़ेगा, 100 का मतलब क्या होता है, सी होता है, तो इसको आप सी एम कर दोगे, ये किसका मान आ गया 900 का। और अगर आप 2000 की बात करें तो आ जाएगा ये डबल एम, तो ये आपने क्या लिख दिया 2000। तो ये आपने क्या पढ़ा है अभी, ये आपने जो रोमन संख्या प्रणाली है उसके बारे में आपने पढ़ा है। अब देखो इसमें आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं इसका जो बिल्कुल सीधा सीधा आपको तरीका बताता हूँ, यानी जो ये नंबर है इनको आपको कैसे याद रखना है। जैसे पहले आएगा आई वी एक्स एल सी डी एम, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर ये इस क्रम से लिखे आएंगे तब तो इधर वाले मान सब इसमें घटते हुए जाएंगे बिल्कुल, जैसे एम है, एम में से ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, यानी ये सबसे छोटा नंबर होता है आपका आई एक होता है, वी 5 होता है, एक्स 10 होता है, एल क्या होता है आपका 50 होता है, ये 100 होता है, ये 500 होता है, ये 1000 होता है। अगर ये इस तरह से लिखे हैं तब तो ये सारे इसमें से घटेंगे बड़े वाले में से, ठीक है ना। अगर आपको क्या लिखना है, आपको याद रखना इसको पहले आ जाएगा एम, फिर डी सी एल, और उसके बाद में आप क्या रखना है एक्स, और उसके बाद में वी आई। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब ये घटेंगे नहीं, ये सारे आपके जुड़ेंगे, एम में डी जुड़ेगा, फिर सी जुड़ेगा, एल जुड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल में अगर ये इस क्रम से लिखा जाए इनका क्रम, तब तो वो सारे ऐड होंगे। और अगर मान लो किसी तरह से मान लो इनका क्रम आगे पीछे जाए तो इसका क्या होगा, मान घटेगा। अब जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया एल एक्स, और आपसे पता कि इस एल एक्स का मतलब कितना होता है, तो आप एल एक्स का मतलब कैसे पता लगाओगे। एल एक्स का मतलब पता लगाने का मतलब पहले आपको इसको देखना है कंफर्म करके कि ये इसी फॉर्म में लिखा है क्या, लिखा है तो दोनों जुड़ेंगे आपस में। एल का मतलब क्या होता है, 50 होता है, इसका 10 यानी कितना, ये 60 है, ठीक है। और अगर मान लो इसी को मैं लिख दूँ ऐसे एक्स एल लिख दूँ एक्स एल, तब देखो ये बड़ा नंबर छोटा नंबर होता ना, तो छोटा बाद में आना चाहिए लेकिन पहले आ गया, तो अब 50 में से क्या घटेगा आपका, 10 घट जाएगा, और कितना आ गया ये 40 आ गया है। तो ये आपने क्या लिख दिया है एक्स एल की वैल्यू। तो ये आपने अभी क्या सीखा है, जो रोमन संख्या प्रणाली है उसके बारे में सीखा है। ये आपका संख्या पद्धति का भाग 3 था, और संख्या पद्धति के जो दो भाग है वो आप पहले से सीख चुके हो। अब आपको बच्चों करना क्या, इसमें जो इसको कॉपी में नोट करने के लिए आपको जो PDF है वो आपको WhatsApp ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी इनको समझने के लिए आप ये वीडियो देख लेना। तो आज हमने यहाँ पर नंबर सिस्टम है यानी संख्या पद्धति है उसका भाग 3 का अध्ययन किया है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है उनका अभ्यास हम जो अगला वीडियो होगा उसमें करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।